हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ डेलीशियस टेस्टी टेंडर कोकोनट आइसक्रीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक टेंडर कोकोनट, जो हम नारियल पानी पीते हैं ना, उसी की हमने थिक मलाई ली है। कोकोनट का हमें हार्ड पार्ट निकालना है, इससे आइसक्रीम का टेस्ट खराब हो जाता है, तो हमें ये निकालना है। तो हमने लिया है एक कप टेंडर कोकोनट, इसे हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैं मिक्सर जार ले रही हूँ और इसमें हम टेंडर कोकोनट को ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, रफली ग्राइंड करना है। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है ग्राइंड करते टाइम। और ये हमारा रफली ग्राइंड टेंडर कोकोनट बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने ये लिया है एक कप व्हिपिंग क्रीम, जो हम केक को डेकोरेट करने के लिए क्रीम यूज करते हैं ना, वही क्रीम हमें यूज करनी है। क्रीम को हमें सॉफ्ट पिकाने तक बीट करना है, जैसे हम केक को स्टिफ पिकाने तक बीट करते हैं वैसे नहीं करना है। अब हम यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं हाफ कप, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओवर बीट नहीं करना है, सिर्फ मिक्स होने तक ही बीट करना है। कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम डालेंगे जो हमने टेंडर कोकोनट को ग्राइंड कर लिया था ना, वही हम इसमें ऐड करेंगे। और ये है कोकोनट वाटर हाफ कप, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोकोनट वाटर जरूर ऐड करें, क्योंकि उससे आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये हमारा टेंडर आइसक्रीम का बेस बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसे सेट होने रख देंगे एक कंटेनर में। कंटेनर को टाइटली लीड लगाएंगे और जो हमने कोकोनट में जो आइसक्रीम का बेस डाला है उसे भी हम प्लास्टिक रैपर से रैप करेंगे, ताकि जो आइस क्रिस्टल है वो आइसक्रीम के ऊपर ना जमे। अब हम इसे 6 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए सेट होने रख देंगे फ्रीजर में। अब हमने फ्रीजर से कंटेनर को निकाल लिया है, अब हम इसे ओपन करेंगे। बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है, और जो हमने कोकोनट में आइसक्रीम सेट किया था उसे भी हम प्लास्टिक रैपर से निकाल लेंगे। बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जमा हुए हैं, तो प्लास्टिक रैप लगाना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसे स्कूप करेंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस लग रही थी, तो आप भी इसी तरीके से घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डिलीशियस आइसक्रीम घर पे बना के अपना समर वैकेशन को एंजॉय करें। जो हमने कोकोनट में आइसक्रीम को सेट किया था उसे भी हम निकाल के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल रही है और कितनी क्रीमी लग रही है। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस लग रही थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको